जी भैया आपका नाम बताइएगा। महिपाल है इनका नाम। और आपका नाम? कमरपाल। तो ये कौन है आपके? आप दोनों भाई हैं? हाँ। बड़े भैया को लेके वो कहाँ निकल लेके जा रहे हैं? कहाँ पे? बोर्ड खेलने। तो आप दुकान खोले नहीं? हाँ, दुकान छुट्टी है। छुट्टी है तो बोर्ड देने के लिए? बस बस वोट देने के लिए। बस आप ये जो वोट देने जा रहे हैं तो किस मुद्दा को लेके आप वोट देना चाहते हैं? किस मुद्दा को नजर में रखते हुए? नजर में अपना किसी को देना ही है, अपने आदमी को देंगे। हाँ तो नहीं आप मतलब क्या मतलब आप जैसे कि आपको क्या फायदा मिला, क्या हुआ जिससे जिससे आप वोट देना? फायदे को नहीं देख रहे हम, तो अपने अपने आत्मसम्मान को देख रहे हैं। जी जी। हाँ। और बाकी और कुछ मिला आपको सरकार से, कुछ सहायता मिली? सरकार से तो और कुछ नया मिला मिलाया। आज भी हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बने, 50 साल में लड़ रहे, ना योगी ने बनवाए ना मोदी ने बनवाए, फिर भी हम अपना जुड़ रहे हैं मोदी जी से। हाँ, जुड़े हुए हैं। मोदी जी जुड़ रहे हैं, योगी जी से हमारी सुनते नहीं। जगह जगह तहसील में धरना धरती सारे काम कर दिए, पर कोई नहीं मानता। पटवारी कोई तहसीलदार कोई नहीं मानता। ठीक है, सुनेंगे। ये आवाज जो है ना ये देश तक पहुंचेगा। हाँ। तो सुनना पड़ेगा। सुनार जाति कोरी जाति है, कोई आज तक जाति प्रमाण पत्र। लेकिन भाई साहब कल आपने एक बात बोल रहे थे, क्योंकि आप दुकान दिए हैं पान के, पान पट्टी के दुकान। हाँ। कल आप एक बात बोले तो मैंने पूछ रहा था आपको। हाँ। तो आप बोले कि तो बोलिए जो बात बोले थे वो तो नॉन ऑफिशियली बोले थे थोड़ा। नहीं 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 बोल दीजिए ना। नहीं नहीं एक मिनट बस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। नहीं 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 भाई साहब देखिए देखिए कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भैया हैं। नहीं वो तो बात ठीक है। नहीं बताइए ना, बताइए ना प्लीज। भाषण जो है कड़क है, उससे ऑब्जेक्शन उठ जाएगा। नहीं 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 वो नहीं है, वो ठीक है, वो ऑब्जेक्शन नहीं हमने। नहीं, वो तो हम जहाँ है ही, देखो वो तो मैंने आपसे बता दी थी। लेकिन वो कड़क भाषण है, उससे कड़क बात नहीं है। देखिए कड़क बात नहीं है, सच्चाई को हम मैं लाना चाहता हूँ। है कि नहीं भाई साहब? है कि नहीं? जो सच्चाई है सच्चाई को लाने की जरूरत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। और आप अपने बड़े भैया को लेके जा रहे हैं, इससे बड़ा नजारा कुछ नहीं हो सकता। और देखिए कैसे आप लेके जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं थोड़ा दिखा देना चाहूँ कि देखिए एक भैया है जो उनके बड़े भैया को लेके जा रहे हैं वोट दिलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और मैंने तो काफ़ी पहले भी उनसे मिला था, और उन्होंने कुछ बात बोले थे, और वो अभी इस बात को कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते हैं, अलग बात है। लेकिन उन्होंने बोले कि ये जो जबकि उनको इस रास्ता जब बाईपास होने से यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो गया है, जबकि यहाँ पे दुकान उनका है, और दुकान बंद करके पहले मतदान और फिर जलपान के तहत उन्होंने वोट देने निकले हैं, और साथ में अपने बड़े भैया जो विकलांग है जो उनको ले के निकल रहे हैं। ये बड़ी बात, ये अपने देश के लिए ये एक बड़ा संवाद है कि वोट देने निकल रहे हैं और पहले मतदान फिर जलपान की तहत। चलिए भैया आप ही एक लाइन होनी चाहिए। हाँ हाँ सही बात है, सुविधा होनी चाहिए ना। हाँ 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 ऐसा बड़े आदमी नहीं है, छोटे नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? ठीक है, मोदी जी पर तो विकास के नाम पर जा रही है इसका मतलब। हाँ ओके, धन्यवाद धन्यवाद भैया, प्रणाम। क्या हुआ सर? बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट किस मुद्दे पर दे रहे हैं। उन्होंने बोले कि बस हम अपने साइकिल में बैठा के अपने विकलांग भैया को बैठा के वो बड़े भैया को लेके जा रहे हैं। और भाई साहब आप अपना नाम भी बता दीजिएगा थोड़ा। मेरा नाम गोपी खत्री जी। और आप वोट दे के आ गए कि नहीं? वोट दे के आ गया। और थोड़ा दिखा दीजिए अंगूठा, ये लो जी। और अपने परिवार की भी दिलवा दी। तो आप किस मुद्दे को दे के लेके वोट दिए? मैं तो कट्टर सनातनी हूँ जी, अब इसका मतलब आप समझ जाओगे सनातनी का। बस बस बाबा जी। बस मैं तो केवल फूल खिलाना और कुछ नहीं खिलाना, हमें तो अपने कोई आने वाले बच्चों का भविष्य देखना। बहुत अच्छी बात आपने बताए, जो आपको जो लगा बस आपने बता दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। डर का किसे नहीं करते।